नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण सात में बढ़े कहानी सातमू जो प्रकरण है ये शुरू करीशू। तो जुओ विद्यार्थी मित्रों, अँ तमने कंक आपेलू है कि जेमा तमने एक वार्ता आपेली है और एमा अमुक जगह खाली जगह आपेली है, तो ये आपणे खाली जगह आज पूरसू। तो एमा पहला से शुरुआत, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। खाली जगह में शू आवशे, रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद कर रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया, उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं क्या कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर वहाँ घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला, ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात एक कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी और जोर की हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो ये थी हमारी जो खाली जगह है उसमें भरे हुए शब्द, जो आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में भी भरने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक कहानी है, निम्नलिखित कहानियों को आगे बढ़ाइए। तो आपको एक जो है वो टॉपिक दिया गया है, मुद्दा दिया गया है, उसके ऊपर आपको कहानी बढ़ानी है। तो पहली है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा। तो आप हम जो है वो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दी है जो आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखनी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिकशाली कौन है। बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपनाह दुनिया में सबसे अधिकशाली सूरज है। अकबर तो ऐसे भी चुप बैठने वाला नहीं था, उसने पूछा, कैसे। तब बीरबल ने कहा, हजूर दुनिया में तीन ही बड़ी शक्तियां हैं, हवा पानी और सूरज। तो एक बार इन तीनों में बहस हुई हो और उसने सबसे कहा, अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री को की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतार दे वह सबसे शक्तिशाली है। तो मित्रों, आपको बच्चों जो आपको है वो पता है, हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा देता हूँ। तो ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। आपको पता है हवा जोर से चलती है तो तूफान का रूप ले लेती है, तो उसने तूफान का रूप ले लिया। पर इस दूसरी वह अपने आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़ लिया और इससे जो है वो आदमी ने कोट को ठंड लग रही थी तो उसने कसकर
पकड़ लिया अपना कोट, क्योंकि उतारा तो नहीं उसने, तो वो हवा थी, वो हार गई। आखिर में अपनी हार मान ली किसने? हवा ने। अब पानी अपनी ताकत दिखाने लगा तो जोर से उसने बरसात होने लगी और यात्री का जो कोट है वो एक घने को पेड़ था उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया, फिर भी वो भीग गया पर अपना कोट नहीं उतारा। अब सूरज तपने लगा, ऐसे तो पानी भी हार गया क्योंकि उसने जो है वो कोट नहीं उतारा, तो पानी के कारण उसका जो कपड़ा है वो भी कोट के कारण तो बिना गीला नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो पानी जो था वो भी हार गया। अब सूरज की बारी आई तो सूरज तपने लगा और गर्मी से उसने कोट उतार दिया। इस तरह सूरज की जीत हुई। और दूसरा है, गेंद स्कूटर के साथ कहाँ चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ और वह सोचकर बताइए। रबर की एक गेंद रास्ते में खड़ पड़ी थी, ये है दूसरी कहानी। गेंद की है वो स्कूटर के साथ कहाँ गई और गेंद के साथ क्या क्या हुआ। एक स्कूटर वहाँ से गुजरा तो वह उसका एक यही पहिए में फंस गई, उसके पहिए में, उसका जो पहिया था स्कूटर का उसमें वो फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी, कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा, तो पहले स्कूटर कहाँ से गुजरा था? घास के रास्ते से, तो उसको तो गेंद को तो वो तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो घास जो थी वो कोमल थी और बहुत छोटी छोटी थी। फिर स्कूटर कीचड़ वाली जगह से गुजरा, कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े क्योंकि वो पहिए में फंसी हुई थी, तो कीचड़ के छींटे उस पर तो पड़ने ही वाले थे, तो गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, तो कीचड़ के कारण गेंद को बहुत बुरा लगा। पर क्या करती बेचारी, वो तो स्कूटर में आगे बढ़ा तो स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया, वो निकल तो नहीं सकती थी इसलिए वो आगे बढ़ रही थी। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे, उसने क्या किया, ये स्कूटर चालक से बातें करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप छूट गया। उसका क्या हुआ, वो जो क्या लेने गया था, फूल लेने, हाँ तो फूल लेने गया था, तो माली का जो बातें करते करते उसके हाथ में पानी का पाइप था वो हाथ से छूट गया। उस स्कूटर चालक से बातें करते करते समय माली का हाथ से पानी का पाइप छूट गया, पानी की धार स्कूटर पे पड़ी और गेंद में जो फंसी हुई थी उसके पहिए में, उसके ऊपर वो जो स्कूटर का पाइप है वो पड़ा, उससे कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडे पानी बहुत अच्छा लगा, ठंडा पानी जो है वो गेंद को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो पूरे की पूरी कीचड़ वाली भरी हुई थी, तो पाइप छूटने के कारण वो जो है वो अच्छे से धुल गई और ठंडा पानी उसे अच्छा लगा। माली के फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद यंत्र से निकलकर, पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। तो अब क्या हुआ, जो यंत्र चालक है स्कूटर का वो उसने किक मारी तो पूरा स्कूटर तो हिलने ही वाला था, तो पहिए से जो गेंद है वो उछलकर गमले में गिर गई। उसी समय माली का छोटा बेटा वहाँ आया, उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी तो कूड़े में जो गेंद पड़ी थी वो उसके माली के जो छोटे बच्चे थे उसने देख लिया, क्योंकि स्कूटर चालक तो गेंद को वहाँ छोड़कर चला गया था। गेंद पकड़ उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, तो गेंद को पकड़कर उसे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि बच्चों को तो गेंद आपके जैसे बहुत पसंद होती है, तो अब वो उस गेंद से खेलने लगा और बहुत खुश हो गया। तो इस तरह ये जो हमारी सारी तीनों की तीनों कहानियाँ है ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आपको अपने स्वाध्याय पोथी में भी पूरी करनी है और आगे की कहानियाँ जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।